इतनी सारी स्टफिंग किस चीज़ की है भाई, ये तो देखना बनता है। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही है ये इतनी सारी स्टफिंग और इतना बढ़िया सा पराठा। तो चलिए वीडियो को देखिए पूरा, और किस चीज़ की है ये मैं आपको बताती हूँ। और बनाने में तो इजी है ही है, खाने में सुपर यम्मी है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, देखकर छोड़ मत दीजिएगा कि चलो मैं ही बना लेती हूँ, सबको बनाना है। बहुत सारी हाई डिमांड्स के साथ आज मैं लेकर आ रही हूँ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी पर बहुत ही मजेदार। ये है प्याज का पराठा, जो कि बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि हम प्याज का पराठा जब बेलते हैं तो पानी निकल जाता है साइड से, बीच में से फूट जाता है, प्याज अलग हो जाते हैं, चिपक जाते हैं बेलन पे। तो इसकी प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करी जाए, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप देखिए वीडियो जो कि आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से इस पराठे को, कि ताकि आपका जो पराठा है ना वो फूटे भी नहीं, पानी भी नहीं निकले साइडों से और पराठा बने गोल गोल और एकदम क्रिस्पी सा। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और पेज को कर लीजिए फॉलो। प्याज का स्टफ पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा प्याज लिया है और उसको मैंने इस तरीके से लंबा और बिल्कुल पतला पतला काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हाथों से अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये जितने प्याज की लेयर्स हैं सारी इस तरीके से अलग अलग हो जाएं। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक और इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि जितना पानी है वो सब निकल जाए इसमें से। तो इसको रखने से ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे और पानी भी अलग हो जाएगा। अब हम एक कटोरी लेंगे, कटोरी के ऊपर एक कपड़ा रखेंगे, आप मलमल का कपड़ा रख लीजिए चाहे रुमाल रख लीजिए, और ये जो प्याज हमने 10 मिनट के लिए रखे थे इसको इस कपड़े में डाल देंगे। सारे प्याज इस कपड़े में डालने के बाद हम इसको कपड़े को इस तरीके से लपेटेंगे और एक गुत्थी सी बनाकर इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए जितना भी पानी है प्याज का सारा इस कटोरी में निकाल लेंगे। अच्छे से प्रेस करते हुए सारा पानी निकाल लेना है। नमक डालने से क्या होता है, पानी निकल जाता है प्याज का, और अब हमें दोबारा इसमें नमक भी नहीं डालना, तो हमने इतना नमक डाल लिया था। तो ये जो एक बड़ा प्याज है एक पराठे के लिए, तो आप समझ लीजिए कितना बढ़िया भरवा पराठा बनेगा। तो ये निकल गया इसमें से पानी, और अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच जो है पोहे का, और पोहे को हम अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे इसका इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारे पोहे का पाउडर बन गया है। अब ये देखिए जो हमने प्याज निचोड़े थे एकदम कितने सॉफ्ट, कितने मुलायम हो गए हैं, और मैंने ये पतले पतले नहीं काटे, बारीक बारीक लंबे काटे हैं। आप इस तरीके से बना के देखिएगा। अब इसमें मसाले आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी और साथ में डाल दिया पोहे का पाउडर, 1 चम्मच पोहे का पाउडर डाला है, और कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा। प्याज और मेथी का एक अपना ही फ्लेवर होता है जो कि बहुत खिल उठ कर आता है, जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इन सब को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद आपने देखा मैंने इसमें नमक नहीं डाला क्योंकि अब प्याज में नमक है। और इधर मैंने आटे को पहले से ही गूंथ के रख लिया था, जैसे हम पराठों के लिए आटा गूंथते हैं, तो मैंने इसमें नमक और अजवाइन डाला था आटे में और गूंथ के रखा था। तो इस तरीके से अब मैंने हाथों में ज़रा सा देसी घी लगाया है, और एक बड़ी सी लोई ले लेंगे जो कि आपकी चपाती की लोई से बड़ी होनी चाहिए, जैसे आप पराठों के लिए लेते हैं। तो अभी एक लोई ले ली है, उसको अच्छे से गोल गोल घुमा लिया है, गोल पेड़ा बना लिया है, और अब हम इसको सूखे आटे में एक बार डस्ट कर लेंगे। तो सूखे आटे में लपेटने के बाद हम इसको प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और इसको साइडों से बिल्कुल ऐसे दबाते हुए इसको पतला कर लेंगे, क्योंकि जो साइडें हैं वो हमेशा पतली होनी चाहिए, चाहे रोटी हो चाहे पराठी हो, क्योंकि अगर साइडें मोटी रह जाती हैं तो खाने में स्वाद नहीं आता। तो अब हम इसको अच्छे से बेलेंगे,
तो मैं जब बेलती हूँ तो मेरी रोटी अपने आप घूमती है, और अगर आप लोगों की ना घूमे तो उठाकर घुमा लीजिएगा। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने के बाद अब हम इसमें वो स्टफिंग भरेंगे जो हमने प्याज की स्टफिंग तैयार करी है। और आप देखिए मैंने कितनी सारी स्टफिंग भरी है, जो कि सबको दिक्कत आती है, कई लोगों को ज़्यादातर दिक्कत आती है कि पराठा जो है फट जाता है, पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो अब आप देखिएगा पराठा ना फटेगा ना पानी निकलेगा इसमें से, और पराठे में स्टफिंग कितनी सारी भरी है ये देखिए। खूब सारी स्टफिंग हो तभी स्टफ पराठा खाने का मजा आता है। अब इसको पकड़िए और इस तरीके से गोल गोल घुमा दीजिए। बिल्कुल नया तरीका है, इस तरीके से बनाइएगा, खाइएगा और फिर बताइएगा कि आपको फूड स्टॉप की ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब इसको अच्छे से घुमाते हुए हमने इसकी फिर से एक लोई तैयार कर ली है और अंदर है खूब सारी स्टफिंग। तो अब हम इसको दोबारा से आटे में, सूखे आटे में डस्ट करेंगे और इसको फिर से प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। और अब फिर से मैंने इसकी साइड्स जो हैं दबाते हुए अब हम बेलन के साथ इसको बीच में से हल्के हाथों से बेलना शुरू करेंगे। तो देखिए बिल्कुल ना बेलन पर पानी लगा ना कुछ हुआ और ना ही पराठा फटा, और पराठा बनेगा कितना क्रिस्पी ये आपको आगे चलकर पता लगेगा। तो ये देखिए ये हमारा पराठा जो है एकदम बढ़िया से बिलकर तैयार हो गया है। और आपको लग रहा होगा ना इसमें इतनी स्टफिंग नहीं है, और स्टफिंग आपके सामने ही डाली है। तो अब हमने इसको तवे पे, गरम तवे पे रख दिया है, और साइड में डालूंगी देसी घी थोड़ा थोड़ा, ताकि जो पराठा है नीचे से क्रिस्पी होना शुरू हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा देसी घी डालते हुए 1 मिनट के बाद मैं पराठे को पलट दूंगी। इस तरीके से पराठे को पलटते हुए अब हम इसको दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दोबारा से घी डालेंगे। आप चाहे तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, पर मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ, और साइड्स में भी देसी घी डाल देंगे। बस देसी घी अभी इतना ही डालना है, और बाद में इसको अच्छे से हम अब इसको उलट पुलट करते हुए इसको अच्छा सा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। ये पराठा जितना बनाने में अब आपको इजी लगेगा ना, तो आप हमेशा यही सोचेंगे चलो यार प्याज के पराठे बनाते हैं। जिन लोगों की रिक्वेस्ट थी कि प्याज के पराठे नहीं ढंग से बन पाते, तो अब वो रोज़ बनाएं और रोज़ खाएं मज़ेदार पराठे, तो ये पराठा बनकर बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी अंदर की स्टफिंग कैसी है। तो अब मैंने पराठा जो है बनकर तैयार है प्लेट पर रख लिया है। गर्म बहुत है इसलिए मैंने इसको चाकू से हल्का सा कट मारा है, और ये देखिए अभी भी बहुत गर्म है। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं खोल कर दिखा पा रही, तो एक कपड़ा, किचन टॉवल हाथ में रखते हुए इसको बिल्कुल इस तरीके से क्रश करूँगी। और ये देखिए स्टफिंग आ गया ना मुँह में पानी। तो अब आप इसको किसके साथ खाएंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दही के साथ, सब्जी के साथ, अचार के साथ या चटनी के साथ, जिसके साथ मर्जी चाहे खाएं, ऊपर से देसी घी डालें चाहे बटर डालें और पराठे को इंजॉय करें। तो अगली कौन सी रेसिपी ऐसी देखनी है मुझे आप कमेंट बॉक्स में